सियासी हलचल में डॉलर बेलगाम, रुपए का धड़न तख्ता, अमरीकी करेंसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर कदर में 3.57 रुपये इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 236.50 रुपये पर ट्रेड, ओपन मार्केट में डॉलर 239 रुपये का हो गया। रुपए पर दबाव एक दो हफ्तों में खत्म हो जाएगा। मुल्क में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी। डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके, जरूरत इस समर की है। मार्केट में मुस्बत सिग्नल्स भेजे जाएं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। परवेज इलाही तख्ते पंजाब पर बराजमान, वजीर आला के अहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में तकरीब, मोनिस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज खटक, मुराद राज, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, हमजा शहबाज का इंतखाब का लदम, 186 वोट बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी। काबीना तहलील, तमाम सूबाई वुजरा को अपने दफातर फौरी खाली करने की हिदायत। 11 सिफात पर मुश्तमिल फैसला, अदालती हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। पार्लियामेंट की बालादस्ती का पैगाम, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्क की सियासी और दाखिली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत बदलते ही पंजाब में अहम तबादले, मोहम्मद खान भर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला तैनात। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक और DG एंटी करप्शन पंजाब अब्दुल जब्बार को हटा दिया गया, विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी, हकीकी मैंडेट को कामयाबी मिली। पंजाब में अब अवामी हुकूमत बनेगी। दबाव के बावजूद जजिस कानून और आइन के साथ खड़े रहे, इमरान खान खुश। अदालती फैसले का खैर मकदम, PTI का योम तशक्कुर। पंजाब असम्बली में स्पीकर काबीना और दीगर अहम तकर्ररियों के लिए मुशावरत, वजीर आला परवेज इलाही की आज इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल। सियासी और अवामी मसाइल के हवाले से टास्क भी दिए जाने का इम्कान। लीग से नाराज लीग का सफर जल्द तय हो गया, लड़ाई आपकी सियासत को जिंदा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट पर बेजा तनकीद से नून लीग का ख्याल है उनका वोटर खुश हो जाएगा तो ये अहमकाना हरकत है। शहबाज शरीफ जुरत का मुजाहिरा करें और इंतखाबात के लिए आमादगी जाहिर करें, फवाद चौधरी। इक्तदार हमजा का खत्म हुआ, मुश्तइल फजलुर रहमान हो रहे हैं। नून लीग दो ग्रुप्स में तकसीम होने जा रही है, एक इक्तदार से चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। बिजली के बाद पेट्रोल और घी भी महंगा होने जा रहा है। शेख रशीद। मौशी तरक्की का इन्हसार पॉलिसियों पर, किसी मुल्क का तरक्याती बजट कम हो रहा हो तो वो कैसे आगे जाएगा। नौजवानों को बेहतर तालीम और रोजगार ना दी तो मईशत तरक्की नहीं कर सकती। अरकान पार्लियामेंट को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी, एहसन इकबाल। डीजी नैब शहजाद सलीम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तलबी के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत की फ्रिकैन को आइंदा समात पर दरख्वास्तें काबिले समात होने पर दलायल देने की हिदायत। सवाल सिर्फ इतना है कि इस मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दायरा इख्तियार क्या है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स, कायम मकाम चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर भी सेक्रेटरी कौमी असम्बली और दीगर को नोटिस जारी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का अहम किरदार, इनकी तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी। FC के 400 जवानों को मुजाहिरों से निमटने के लिए तरबियत दी जा चुकी, इन्हें राशन अलाउंस भी दिया जाएगा। राणा सनाउल्ला। सोफिया मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम को दरख्वास्त, अदाकारा ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जाम आयद किए गए, सोफिया मिर्जा के अकाउंट्स ब्लॉक किए। साबिक शोहर उमर फारूक की दरख्वास्त का मतन।
तरथा में बारिशों से तबाही, नशेबी इलाके जेरे आब, सिविल कोर्ट, टाउन कमेटी और दूसरे दफातर में भी पानी मौजूद। सवाबी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। टांग के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। मॉनसून का नया स्पेल, कल से लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और जेहलम में सैलाब का खदशा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया।